फ्रेंड, तो आज की रेसिपी मशरूम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और इसे पैराफुटू के नाम से भी जाना जाता है। तो आज मैं इसी की रेसिपी आप लोग के पास शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसे अच्छी तरह देखकर छोटे छोटे पीस में तोड़ लीजिए और इसके डंठल को भी कुछ इस तरह तोड़ लें। फिर इसे 2 से 3 बार अच्छी तरह धो लें। फिर एक कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून तेल लेकर अच्छी तरह इसे गरम कर लें। आधा टेबलस्पून इसमें राई डालें, आधा टेबलस्पून इसमें जीरा डालें और दोनों को अच्छी तरह कड़कने दें। जब ये अच्छी तरह कड़क जाए तो इसमें 2 तेज पत्ती डालें और इसे सुनहरी कलर होने तक के पका लें। 2 बड़े प्याज डालें, उसके बाद इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दें। पर लाल होने तक पका लें और अच्छी तरह पक जाने के बाद इसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची, धनिया पाउडर और गरम मसाला डालकर अच्छी तरह चला लें। जब सारे मसाले पक जाए तो उसमें धुले हुए मशरूम डाल दें और इसे अच्छी तरह चला लें। उसके बाद इसमें नमक डाल के मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकने दें और इसमें बीच बीच में चम्मच चलाते रहें। ध्यान रहे कि इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड ना करें, क्योंकि इसमें खुद ही पानी होती है और ये अपनी पानी छोड़ने लगती है। मैंने इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं किए हैं और आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे कुछ इस तरह से पक रही है। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें और इसे अच्छी तरह से पकने दें। जब ये पूरी तरह सूख जाए और अच्छी तरह पक जाए तो इसमें हरी ताजी धनिया पत्ती ऐड कर दें और इसे आप भी घर पर ज़रूर बनाइए। इसे आप चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।